हरिओम तत्सत। मैं एक बहुत ही विशाल जंगल के बीचों बीच कहीं पर बैठा हूँ और आजकल प्रायः एक चीज़ सुनने जो मिलती है कि खूब पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, नहीं तो सिलेंडर लेकर के चलना पड़ेगा। बात सही है, पेड़ लगाना चाहिए। एक पेड़ जो है 10 पुत्र के समान होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और वस्तुतः इसके जो है देखें तो ये सत्य भी है, क्योंकि 10 पुत्र जो है आपकी जितनी सेवा नहीं करेंगे उससे ज़्यादा कहीं एक पेड़ सेवा कर देता है। और ख़ास करके यह पेड़ यदि नीम का पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, इस तरह से सब अमृत वृक्ष हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इसके लिए पेड़ लगाना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक मेरा और जो है एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे कि देखिए, ऑक्सीजन की कमी वस्तुतः नहीं है, कमी होती है अपने लंग्स की, कमी होती है अपने शरीर की, कि हम ऑक्सीजन ग्रेस्प नहीं कर पा रहे हैं। संसार में संपत्ति की कमी नहीं है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो कहने का मतलब सुमति नहीं है, इसलिए उस संपत्ति का आनंद लोग नहीं उठा पाते हैं। ऑक्सीजन रहते हुए भी यदि लंग्स कमजोर रहेगा, शरीर कमजोर रहेगा, मस्तिष्क कमजोर रहेगा, तो हम जो है उस ऑक्सीजन को ले नहीं पाएंगे। फिर चिल्लाएंगे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी प्रदूषित शहरों में बिल्कुल है, लेकिन कमी उस चीज़ की ज़्यादा नहीं है, कमी इस चीज़ की है कि हमारा लंग्स कमजोर होते जा रहा है। तो जीवन में कहीं ना कहीं हमें योग, प्राणायाम और व्यायाम से जुड़ना पड़ेगा, ताकि हमारा लंग्स कमजोर के बजाय मजबूत हो और उस ऑक्सीजन को खींच पाए। देखिए, संसार में संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन दिमाग वालों के पास ही तो संपत्ति है, सबके पास नहीं हो सकता है ना। गरीबों को सरकार इतना कुछ बांटती है, लेकिन फिर वो गरीब के गरीब ही हैं। दलितों को आज 70 सालों से खूब सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन आज भी वे बेचारे दलित हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता को ऊपर नहीं उठाया गया। किसी को संपत्ति दे देने से वह राजा नहीं बन जाता है, दिमाग देने से जरूर बन सकता है। उसी तरह से आपके पास 56 भोग हो, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं हो, तो फिर वो खाने का मन नहीं करेगा, उसका आनंद आप नहीं ले पाएंगे। तो मेरा सिर्फ इसमें एक सुझाव था कि ठीक है, अच्छी बात है, पेड़ लगाना चाहिए, और मैं भी लगाता हूँ, हर साल 10-15-20 पेड़ लगाता हूँ, जितना भी बच जाए। और इस जंगल में आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत विशाल जंगल है, भोपाल के पास एक जगह है जहाँ पर। लेकिन इस जंगल का फायदा तभी हम ले पाएंगे जब हमारा लंग्स स्वस्थ रहेगा, जब हमारा फेफड़ा जो है स्वस्थ रहेगा, जब हमारी नासिका और मस्तिष्क हमारे जो है विचार सही रहेंगे। तो आइए हम अपने आप को योग, प्राणायाम और व्यायाम से जोड़ें। सुबह में आप तो यूं बहुत सारे भगवान के नाम सुने होंगे, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, गणेश हो, शिव हो, या बुद्ध हो, पैगंबर हो, ईसा हो, नानक हो, अनेकों भगवान हैं। हम सबको भगवान का जो है रूप दे दिए हैं, लेकिन अच्छी बात है। पर यह भी बहुत जरूरी है कि सूरज भी एक भगवान है, और सूरज भगवान की जो है हम लोग पूजा करते हैं, और सूरज एक साक्षात भगवान है। सूरज जो है एक साक्षात भगवान है, जो नित्य दिन प्रति सुबह जो है अमृत लेकर के, अमृत कलश लेकर के हमारे पास आते हैं और बोलते हैं, वत्स उठो, इस अमृत का पान करो, ठीक ना, स्वस्थ हो जाओगे, थोड़ा सा योग करो, थोड़ा दौड़ लगा लो, व्यायाम करो। लेकिन नहीं, हम रजाई में रेंगते रहते हैं पर उठते नहीं हैं, उठ करके इस अमृत बेला का आनंद नहीं लेते हैं। और शायद इसीलिए आज लोग इतना बीमार पड़ रहे हैं, और कोरोना के समय में तो लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे। कुल मिलाकर के मेरा यही है सुझाव कि अच्छी बात है, पेड़ लगाना चाहिए, और ख़ास करके जो अमृत वृक्ष हैं, जैसे कि नीम का पेड़ हो गया, आंवले का पेड़ हो गया, बेल का पेड़ हो गया, ठीक है, इस तरह के वृक्ष, पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया, इस तरह का वृक्ष खूब लगाना चाहिए। लेकिन साथ में अपने फेफड़ों को भी
मजबूत करके रखना चाहिए। आप यदि कोई बहुत सुंदर फल या फूल लगा रहे हैं घर में, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को स्वस्थ भी रखें ताकि उस फल को खा सके। आपके घर में छप्पन भोग मिठाई बन गया लेकिन डायबिटीज है, तो आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आप छप्पन भोग बनाएं लेकिन उसके पहले शरीर को भी स्वस्थ रखें। इसी निवेदन के साथ नमस्कार। अपने आप को योग, व्यायाम और प्राणायाम से जोड़ करके ओम तत्सत ओम भगवान को समर्पण कीजिए और सब कुछ करते रहिए। अपने तरफ से कोई गलती मत कीजिए। बाद बाकी सौंप दिया जीवन प्रभु के हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। जो होना होगा वो तो हो करके जौन होई तवन होई। राम भज राम भज, राम को भजते रहिए। जो होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन अपने तरफ से क्यों गलती करना। अपने तरफ से एक अफसोस कि काश हम ऐसा कर लिए होते, काश ऐसा कर लिए होते, नहीं। एक काश शब्द जो है आकाश में छोड़ाइए, जो है हम ये हो गए होते, मगर मगर को भी पानी में छोड़ दीजिए। अगर को भी अगर ये होता तो अरे अगर को अगरबत्ती बना करके डाल दीजिए और सुबह उठिए, खूब योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। यही जीवन का असली आनंद है। व्यापार दो तरह का होता है, एक तो सांसारिक और एक आध्यात्मिक। एक जो आध्यात्मिक होता है वो अंदर में खुशी प्रदान करता है, और सांसारिक व्यापार बाहर की खुशी प्रदान करता है। बाहर की खुशी से अंदर की खुशी नहीं मिलती है, लेकिन अंदर की खुशी से बाहर की खुशी जरूर मिलती है। तो आइए अपने आप को इस सच्चित आनंद परमानंद से जोड़े और जीवन का आनंद ले। हरिओम तत्सत, हरिओम।